गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष गोस्वामी। आज हम क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर नंबर 6 ऑन रीडिंग द रिलेशन टू लिटरेचर, यानी साहित्य के संबंध में पठन क्रिया पर विचार, यानी साहित्य को किस तरह से अध्ययन किया जाता है, उसे किस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है ना, हर एक जो रीडर होता है उसकी अपनी एक साइकोलॉजी होती है, और अकॉर्डिंग टू देयर साइकोलॉजी वो अब उस लिटरेचर को उस हिसाब से पढ़ता है। ठीक है ना बेटा, तो हम बातचीत करेंगे आज कि लिटरेचर को पढ़ने का तरीका है क्या। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन में देखिए बहुत ही इजी तरीके से बताया गया है। ठीक है, इन दिस ऐसे लाफासेडियो हेरेन, ये लेखक हैं, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग विद द मीनिंग ऑफ प्रोसेस एंड एम। ठीक है ना, इस निबंध में लाफासेडियो हेरेन ने पाठन और पठन ठीक है ना, की अवधारणा को उसके अर्थ, उसकी प्रक्रिया, उसके लक्ष्य के साथ परिभाषित किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी पाठ को पढ़ने का जो तरीका है उसमें उसका अर्थ भी होना चाहिए, उसकी प्रक्रिया भी होनी चाहिए, और उसका एक लक्ष्य भी होना चाहिए कि हम उस लिटरेचर को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या कह रही है। द ऑथर मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन द मोटिव एंड अ ग्रेट क्रिटिक अ कॉमन पर्सन। यहाँ लेखक एक महान समालोचक भी है। क्या है? समालोचक, और एक आम आदमी के उद्देश्य के बीच में भेद को प्रकट कर रहा है। कहने का मतलब, यानी लिटरेचर को पढ़ने वाले न केवल नॉर्मल या साधारण लोग होते हैं, लिटरेचर को पढ़ने वाले स्कॉलर भी होते हैं। ठीक है ना, स्कॉलर का मतलब जानते हैं आप? हाँ, विद्वान लोग। तो भले किसी लिटरेचर को आम आदमी पढ़े या कोई स्कॉलर पढ़े, इन सब की इन्होंने समालोचना की है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? ही डिस्क्राइब दैट अ ग्रेट एंड अ साइंटिफिक बुक कंटेन यूनिवर्सल ट्रूथ एंड सबलाइन आइडियाज दैट आर एप्लीकेबल इन वेरी एज। ठीक है ना, उन्होंने कहा है कि या वर्णन किया है कि एक महान और वैज्ञानिक पुस्तक में सार्वभौमिक सत्य और वे उत्कृष्ट विचार होते हैं जो हर युग के अंदर लागू होते हैं। यानी एक महान पुस्तक के अंदर वे विचार होते हैं जो हर युग के अंदर जो है उसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण हमारे पास में बहुत बड़ा है, आपने श्रीमद्भगवत गीता के बारे में सुना होगा, आपने रामायण के बारे में सुना होगा, भागवत पुराण के बारे में सुना होगा, बाइबल के बारे में सुना होगा, और कुरान के बारे में सुना होगा। तो दीज ऑल होली बुक्स गिव्स अस द मीनिंग ऑफ अ रियल लाइफ। ये वास्तविक जीवन का परिचय देने वाली पुस्तकें हैं। इनमें जितनी बार इनको पढ़ोगे, इसके अंदर आपको एक कुछ नया दिखाई देगा। आपने अपनी फैमिली में जो भी हमारे एल्डर्स हैं जो इन बुक्स को डेली रीड्स करते हैं, ठीक ना, तो आप देखना उन्होंने सेवरल टाइम्स इस बुक को पढ़ लिया होगा, लेकिन आज भी वो उसी मोटिवेशन के साथ, ठीक है ना, उसी डिग्निटी के साथ उस बुक को पढ़ते हैं। उसका कारण, बिकॉज ऑफ दीज बुक्स हैव अ मच 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 नॉलेज। ठीक है ना, यानी एक कहावत है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, है ना, यानी इसका कोई अंत है ही नहीं। जितनी बार पढ़ोगे उतना एक आपको नया मीनिंग दिखाई देगा।
अब देखो लेखक और हमें क्या बता रहा है इस बारे में। एट एवरी एडिशन टाइम एंड अ बुक अनफोल्ड टू द रीडर अ न्यू मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन दैट लीव्स अ परमानेंट इम्प्रेशन ऑन हिज और हर माइंड। ठीक है ना, लेखक कहता है कि एक महान पुस्तक के अंदर उस महान पुस्तक को जो अर्थ होता है, उसकी जो व्याख्या होती है, वो पाठक के समझ को उजागर करती है, जो उसके मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डालती है। हाँ, ये जो वास्तव में जो एपिक्स हैं हमारे, फॉर द एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, कोरोना काल के अंदर गवर्नमेंट ने रामायण को शुरू किया था, सब ने देखी होगी। ठीक है ना, आपने बचपन में अपने बचपन में रामायण को नहीं देखा होगा, लेकिन इस लॉकडाउन पीरियड में आपने रामायण को देखा होगा। ठीक है ना, तो आप जितनी बार उस रामायण के एपिसोड्स को भी वापस देखेंगे ना, तो आपको बोर फील नहीं होगा। कारण बिकॉज ऑफ दे हैव मच 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 मीनिंग्स। ठीक है ना, तो सोचिए जिन बड़ी बड़ी एपिक्स को लेकर के ये एपिसोड्स बने हैं, ये सीरियल्स बने हैं, तो उन एपिक्स के अंदर कितना नॉलेज होगा। ये तो एक कह सकते हैं जस्ट अ पार्शियल पार्ट, उसका एक छोटा सा रूप है। ठीक है ना, बाकी जो फुल मीनिंग लिए हुए बुक्स हैं उसके अंदर कितना सारा नॉलेज होगा, ये बड़े सोचने की बात है। ठीक है बेटा, तो इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन के अंदर ये कहना चाहता हूँ मैं कि इंसान जब भी पुस्तक को पढ़े, ठीक है ना, पुस्तक को केवल अम्यूजमेंट के लिए ना पढ़े। अम्यूजमेंट का मतलब होता है आनंद। ही रीड फॉर जस्ट द मीनिंग, कि वह उस किताब के अर्थ को लेकर के पढ़े, वह हमें क्या देना चाहती है, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है बेटा, तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम था। अब हम बात करते हैं जिस्ट ऑफ लेसन के बारे में। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से देखिए। अ कॉमन रीडर डज नॉट नो हाउ टू रीड अ बुक बट क्रिटिक नोज इट। एक आम आदमी पुस्तक को पढ़ना नहीं जानता, लेकिन उस पर आलोचना करना वह जानता है। द क्रिटिक डज नॉट रीड अ बुक टू पास टाइम और डू एम्यूज इट्सेल्फ। जो आलोचक होता है वो पुस्तक को इसलिए नहीं पढ़ता कि वह टाइम पास कर रहा है, ठीक है ना, या अपने आप को एम्यूज कर रहा है। एम्यूज का मतलब होता है आनंद करना, आनंदित हो जाना। विद अ ग्रेट बुक केयर एंड कंसिडरेशन, वह उस पर उसकी महानता को लेकर के कंसिडरेशन करता है, पुनर्विचार करता है। याद हो तो हमने उस लेसन को पढ़ा है, थर्ड थॉट्स याद है बेटा। ही इज एबल टू एक्सप्रेस हिज ओरिजिनल ओपिनियन रीडिंग द बुक। वह उस किताब को पढ़ कर के उसके अंदर जो ओरिजिनलिटी है उसको अपनी सलाह के रूप में प्रकट करना चाहता है। अ कॉमन रीडर टेक्स द सुपरफिशियल इंटरेस्ट इन द बुक। अ गुड क्रिटिक स्टडीज द बुक एंड डिस्कवर इट्स हिडन मीनिंग एंड ब्यूटीज। एक नॉर्मल जो पर्सन होता है वो किताब को बस कि हाँ मुझे पढ़नी है, ठीक है, इसलिए पढ़ता है। लेकिन जो वास्तव में बुक की इम्पोर्टेंस को जानते हैं वो उस बुक को उस हिसाब से नहीं पढ़ेगा, वो उसकी पूरी मीनिंग को पढ़ने के लिए उसे रीड करेगा। ठीक है बेटा, आगे चलते। ऑल गुड बुक्स शुड बी रीड एज केयरफुली एज अ बुक ऑफ साइंस एंड नॉट अ सिंपल फॉर एम्यूजमेंट। कोई भी पुस्तक जो होती है ना, उसे बड़े केयरफुली तरीके से पढ़ा जाता है, भले वो साइंस की हो या कोई और उसे एक आनंद के साथ में पढ़ा जाता है। अ बुक ऑफ अ लिटरेचर एग्जाम्पल ऑफ फिक्शंस रोमांस एंड और पोइट्री ऑल्सो
द सेम वैल्यू एज द साइंटिफिक बुक। देखिए, भली साहित्य की बुक हो, भली फिक्शन, यानी फिक्शन का मतलब जानते हो ना, काल्पनिक कहानियाँ, रोमांस से संबंधित बुक हो, पोइट्री है, कविताओं से वाली बुक हो, उन सभी को उसकी वैल्यू के अनुसार जो है वो पहचाना जाता है। जिस तरह से हम साइंस की बुक को इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं, उसी तरह से इस बुक को भी हम इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलें। आगे देखिए, सच बुक्स आर ऑल्सो कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू एंड रूल डिफरेंट साइंस, पर्टिकुलरली द साइंस और लाइफ और द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। दस अ गुड बुक ऑफ फिक्शंस, रोमांस और पोएट्री इज साइंटिफिक वर्क। ध्यान से देना, यानी ये जो किताबें बनाई जाती है, ये जो किताबें रचित की जाती है, लिखी जाती है, कंपोज की जाती है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ द रूल्स, इनके काफ़ी नियम और सिद्धांत होते हैं। कोई भी महान पुस्तक जब बनती है ना, तो उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं। कोई पुस्तक महान ऐसे ही नहीं बन जाते, ठीक है ना। ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर मीनिंग होती है, उसका एक नॉलेज होता है, उस वो किसी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है, ठीक है ना, ह्यूमन नेचर पे वो डिपेंड करती है। और इस तरह से एक बहुत ही अच्छी पुस्तक, भले वो फिक्शन की हो, रोमांस की हो, पोएट्री की हो, ठीक है ना, वो एक साइंटिफिक वर्क करती है। यानी हमारे ऊपर एक कह सकते हैं एक मनोविश्लेषणात्मक एक शब्द है, प्रभाव डालती है, ठीक है ना। आप फिजिक्स की बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबसे बढ़िया उदाहरण जैसे मैं आपका तो बायो की बुक पढ़ रहे हैं। अब बायो की बुक में या अकाउंट की बुक के अंदर आप जब किसी टॉपिक को लेकर के थोड़ा डीप इंटरेस्ट में चले जाते हैं, तो वो डीप इंटरेस्ट न केवल उस टाइम पीरियड तक रहेगा, आपको जब इन फ्यूचर जब भी आप उस टॉपिक को अपने सामने लाएंगे या आपकी आंखों के सामने वो टॉपिक आएगा, तो आपको खुद को बड़ा शौक होगा, हाँ यार मैंने उस समय जो है वो उस टॉपिक को अच्छी तरह से देखा था। एम आई राइट, है ना। अब चलो आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट देखिए। अ ग्रेट बुक गिव्स अस एन इंटेलेक्चुअल फूड। एक महान पुस्तक जो है वो हमारे भोजन की तरह है, हमारा निर्वाह करती है। कैसे? वी वॉन्टेड टू रीड इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि हम उसे बार बार पढ़ना चाहते हैं। वेन एवर वी रीड इट, इधर फर्स्ट टाइम और सेकेंड और थर्ड टाइम, वी फाइंड न्यू मीनिंग एंड न्यू ब्यूटीज। जब भी हम उस किताब को पहली बार पढ़ते हैं या दोबारा पढ़ते हैं या तीसरी बार पढ़ते हैं, जब भी पढ़ेंगे वो पुस्तक हमें एक नया मीनिंग देगी। भगवद गीता को जितनी बार आप पढ़ोगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भगवद गीता को आप जितनी बार पढ़ोगे वो आपको एक नया मीनिंग देगा, ठीक है ना। हाँ, कभी आप ज़्यादा ही डिप्रेशन में चले जाएं किसी भी सब्जेक्ट्स को लेकर के, तो एक बार उसको रीड जरूर करना। आपको संस्कृत नहीं आए कोई बात नहीं, हिंदी मीनिंग को जरूर पढ़ना, ठीक है ना, आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है ना। हाँ, ये एक तरह का मेडिटेशन भी कह सकते हैं आप उसको। हाँ, आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है। अ ग्रेट बुक इज प्रेज्ड एंड एडमायर्ड इन ऑल एज एंड इट पासिस द टेस्ट ऑफ टाइम। It delight the reader more and more again as grows in age. देखो आगे ना मेरे वाली बात, एक महान पुस्तक जो है वो हमें हमेशा प्रेरित करती है, प्रेज करती है, हर उस उम्र तक जब तक हम बड़े हो जाते हैं, कितने भी बड़े हो जाएं, वो हमें हमेशा क्या देगी, खुशी देगी। किसको? पढ़ने वाले हो, किसी भी उम्र के व्यक्ति को। देखो भगवद गीता कोई ऐसा नहीं है कि बूढ़े लोग ही पढ़ते हैं। अपने वेद पाठी ब्राह्मणों के आश्रम के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, जो 7 और 8 ईयर के बच्चे होते हैं ना, उनको संस्कृत सिखाई जाती है, और 10 ईयर की एज में तो उन्हें गीता कंठस्थ करवा दी जाती है बड़े बड़े गुरुकुल आश्रम के अंदर, ठीक है ना। तो सोचिए वो बच्चे जब एक बड़े वक्ता बन जाते हैं, तो वो उस गीता के
प्रत्येक अध्याय का जब वे खुद के हिसाब से एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो क्या जितने भी बच्चे जो आचार्य बने उन सबका एक्सप्लेनेशन एक होगा? नो, बिल्कुल नहीं। अ ग्रेट बुक ग्रोज एक्साइटली इन अ प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ रीडर्स माइंड। एक महान पुस्तक जो होती ना, वो हर बार पढ़ने वाले व्यक्ति पाठक के मस्तिष्क पर एक विशेष प्रभाव डालती है, ठीक है ना, और उसकी सोच को और बढ़ाने का काम करती है। हाँ, जितनी बार बढ़ेगा उसे और इंटरेस्ट डेवलप होगा। अब मैं एक बात करूँगा, आप थोड़ा अजीब सा लगेगा, शोले बेचे कितनी पुरानी है ना, बहुत पुरानी है, 80s की फिल्म है ये। और इस फिल्म को जब भी प्ले किया जाता है किसी भी चैनल पर, ये प्रकाशित होती है और हमारी नज़र उसके किसी भी पार्ट पे पड़ जाती है, हमें सारी स्टोरी याद आ जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। इसका मतलब दिस फिल्म हैज सच अ मीनिंग। बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं जिनको आप बार बार देखने का मन करता है, ठीक है ना, और हर बार देखते हैं उसमें आप हर बार एक नया एंजॉयमेंट लेते हैं। व्हाट इज दिस? हाँ, दिस इज अ, हाँ, इट्स ग्रेट मीनिंग ऑफ अ ग्रेट बुक। सेम। अब हम पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। द फॉलोइंग आर द क्वालिटी ऑफ अ गुड बुक। इट इज रीड मोर एंड मोर, इट हैज अ गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू। एक अच्छी पुस्तक के अंदर बहुत सारा जो है वो ज्ञान होता है, और उसके अंदर अमाउंट ऑफ अ गुड वैल्यू, अच्छे गुणों का जो है वो कह सकते हैं भरमार होती है। इट इज़ अ कंपोज्ड टू द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोर देन वन साइंस। इसके अंदर बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, जैसे साइंस के अंदर तो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर उसका प्रिंसिपल होता है, लेकिन ये जो हमारी माइथोलॉजिकल्स बुक है इसके अंदर जो है वो हर बार एक नया मीनिंग आपको मिलेगा। इट शुड गिव एन इंटेलेक्चुअल फूड, इट शुड मेक अ अपील टू हायर इमोशंस एंड इलेक्टेड। इट शुड हैव पास द टेस्ट ऑफ टाइम। इट शुड ग्रो विद अ रीडर्स माइंड। देखिए, ये पुस्तक जो होती है ना, ये पढ़ने वाले व्यक्ति के इमोशंस पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। मैंने आपसे पहले ही कहा ना, इफ यू हैव इन टेंशन, इन स्ट्रेस, यू जस्ट रीड अ गुड बुक। अगर आप कभी भी टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, आपको एक अच्छी किताब को पढ़ लीजिए। अब किताब पढ़ने का तो कह सकते ना युग है नहीं, ठीक है ना, लेकिन अच्छा एक सीरियल है या अच्छा कोई कॉमेडी है, ठीक है, उसको आप देख लीजिए, आपका स्ट्रेस रिलीज होगा कि नहीं होगा? होगा ना बेटा, दिखती बात है। तो एक गुड बुक का भी यही रोल है, जो ह्यूमन के इमोशंस को इंटेलेक्ट करती है और वो टाइम को पास करती है, उसको टेस्ट करती है टाइम को, एंड इट शो ग्रो द रीडर्स माइंड। और ये मनुष्य के मस्तिष्क, यानी पाठक के मस्तिष्क के अंदर आप कह सकते हैं एक नयापन उजागर करती है, ठीक है ना, न्यू थॉट्स डेवलप होते हैं हमारे माइंड के अंदर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, वी शुड रीड ओनली द बुक्स वी वॉन्ट टू रीड मोर एंड मोर वंस। हम जब किसी पुस्तक को हमें पढ़ना चाहिए, वी वॉन्ट टू रीड मोर देन वंस, तो हमें उसे एक से अधिक बार जरूर पढ़ना चाहिए। किसी भी पुस्तक को एक बार पढ़ने से वह समझ में नहीं आती है। स्कूल में भी कहते हैं ना, रिवीजन करो रिवीजन करो, व्हाट इज दिस? यानी कोई चैप्टर के अंदर कोई पार्ट छूट गया है तो इट इज गुड फॉर अस कि वी रिवाइज इट। ओके बेटा, ओके, आगे देखिए। वी शुड रीड ओनली द बुक विच आर वैल्यूएबल। हमें उन्हीं पुस्तकों को पढ़ना चाहिए जो वैल्यूएबल हो।
वी शुड रीड ओनली द बुक्स विच अनफोल्ड न्यू मीनिंग टू अस. हमें उन्हीं पुस्तकों को पढ़ना चाहिए जो वास्तव में बहुत सारे नए नए मीनिंग्स को लिए हुए हो, अर्थों को लिए हो. वी शुड रीड ओनली द बुक्स विच ग्रोज एक्साइटली द प्रोपरेशन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड. हमें उन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए जो रीडर्स के माइंड को हर बार एक नयापन दे. वी शुड बाय अदर बुक्स ओनली वैन वी हैव सम स्पेशल रीजन फॉर सो इन्वेस्टिंग द मनी. ठीक है ना. और हमें उन पुस्तकों को खरीदना चाहिए जिसके पीछे एक वास्तविक एक सही कारण हो. ठीक है ना. और उस सही कारण के पीछे हमें ये लगे कि हमने हमारे पैसे को सही जगह इन्वेस्ट किया है. ठीक है बेटा. अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की. अ ग्रेट बुक नेवर ग्रो ओल्ड एंड नेवर डाइज. एक महान पुस्तक न तो कभी पुरानी होती है और न ही उसका कभी अंत होता है. ठीक है ना. हाँ, मैं फिर वही हमारे ग्रंथों के बारे में कहना चाहूँगा कि उसे जितनी बार जब जब भी पढ़ा गया नए अर्थ हमारे सामने आए. आपने प्रवचन देने वाले हमारे जितने भी बाबा जी महाराज हैं उनको देखा होगा ना. हर कोई भागवत कर रहा है, हर कोई रामायण कर रहा है. ठीक है ना. मौलवी साहब जो हैं वो कुरान की आयतों को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं. जो हमारे फादर हैं, पादरी हैं, ठीक है ना, वो बाइबल की जो मीनिंग्स को अपने कह सकते हैं जो भी पीपल्स हैं, शिष्य हैं, उनको जो मैसेज दे रहे हैं. तो वेन एवर दे स्टार्ट द बुक अगेन द बुक गिव्स द न्यू मीनिंग टू द लिसनर्स. सुनने वालों को एक नया मीनिंग देगी और बोलने वाला सेम बोल ही नहीं पाएगा. बिकॉज ऑफ जितनी बार आप इन महान किताबों को पढ़ोगे उतनी बार ये महान किताबें आपको नया मीनिंग देती रहेगी. आगे चलिए बेटा. इट कंटिन्यूज टू शो न्यू ब्यूटी एंड न्यू मीनिंग फॉर द हंड्रेड ऑफ द ईयर्स. सैकड़ों वर्षों तक इसे पढ़ते रहो, ये हमेशा आपको नए नए मीनिंग्स देती रहेगी. इट डिलाइट द रीडर एट एवरी एज. और ये हमेशा जो रीडर है, जो पाठक है, उसको खुशी देगी उसके प्रत्येक उम्र में. एग्जाम्पल द यूथ, मैच्योरिटी, मिडल एज एंड द ओल्ड एज. देखो, भले आप छोटे हो, यूथ हो, मैच्योरिटी वाले हो, मिडल एज हो या ओल्ड एज वाले हो, जब भी ग्रेट बुक को पढ़ा जाएगा इट गिव्स अस अ न्यू मीनिंग एंड अ ग्रेट मीनिंग. द डिलाइट ऑफ द बुक इंक्रीज विद एडवांसिंग एज. और ये किताबें जो है ना, हमारे जो कह सकते हैं एडवांसिंग एज है उसको आनंद देने के लिए बहुत आवश्यक होती है, बहुत उपयोगी होती है. यानी किताबें जो है वो जीवन का संपूर्ण ज्ञान देने के लिए पर्याप्त होती है. ऐसा नहीं है कि बस किताबें पढ़ ली हैं, बट किताबें पढ़ी इसका मतलब उसने हमें कुछ न कुछ तो दिया है ही. ठीक है ना बेटा. तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो ग्रेट बुक होगी वो ग्रेट मीनिंग्स को लेके हमेशा अपने पास रखती है. ठीक है बेटा. अब आगे चले. इन फैक्ट द रीडर कैन गेट एज मच डिलाइट एंड मीनिंग फ्रॉम द बुक अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी. और वास्तव में देखें तो जो रीडर होता है वह प्राप्त कर सकता है खुशी को एंड द मीनिंग. मीनिंग का मतलब उसके सही अर्थ को फ्रॉम द बुक, उस किताब से, अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता के अनुसार. देखो, प्लीज डोंट माइंड, अगर कोई कम पढ़ा हुआ व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए उसे केवल बुक को रीड करना आता है और उसको रामचरितमानस दे दी. अब रामचरितमानस में वो क्या करेगा,
वो अवधी भाषा को पढ़ पाएंगे? नो, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, हमने उसी व्यक्ति को जो है वो भागवत गीता दे दी, क्या वो संस्कृत के श्लोक्स को पढ़ पाएगा? नो, नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, बट उन दोनों बुक्स के अंदर जो हिंदी अर्थ दे रखे हैं उसको वो पढ़ेगा। पढ़ने के बाद में जब भी हम उस व्यक्ति को ये कहेंगे यार प्लीज़ एक्सप्लेन कि ये किताब बता क्या रही है, तो उस व्यक्ति की लिटरेसी जितनी है, देखिए लिटरेसी का मतलब कोई सर्टिफिकेट लिटरेसी नहीं है, मैं पहले से ही कह देता हूँ। ठीक है ना, हमारे बुजुर्ग ने अगर बुजुर्गों ने अगर हम पढ़ाई नहीं की है ना, बट दे हैव मच 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 नॉलेज, ठीक है ना, एंड ग्रेट नॉलेज, तभी तो आज हमारे सोसाइटीज चल रही है और हम जो हैं एक हाँ जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ठीक है ना बेटा, तो वो जब भी पढ़ेंगे उनको उस हिसाब से सम। अब बात करें, अब इन दोनों ही बुक को कोई स्कॉलर पढ़ रहा है, स्कॉलर का मतलब विद्वान लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब वो जब पढ़ेंगे तो इन बुक्स के अंदर वो अलग मीनिंग्स निकालेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इन बुक्स की जो ये क्वालिटी है, इस क्वालिटी को कोई कैसे चैलेंज नहीं कर सकता। तो आगे क्या कह रहे, देखो, व्हेन हिज अंडरस्टैंडिंग ग्रोज द मीनिंग ऑफ अ बुक आल्सो ग्रोज, जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ेगी ना वो पुस्तक और बढ़ती जाएगी। भागवत गीता के 18 श्लोकों को, ठीक है ना, जिसने भी एक्सप्लेन किया है ना, अगर उसको और एक्सप्लेन किया जाए ना तो जितना एक्सप्लेन किया उतना और हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ हाँ, एवरी कह सकते हैं बुक हैज़ अ मीनिंग, बट हिज मीनिंग इज नॉट एन एंड मीनिंग, एंड ऑफ द मीनिंग। ठीक है, किसी भी पुस्तक का एक मीनिंग होता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये इसका अंत है, नो अगर अंत है तो इट इज नॉट अ ग्रेट बुक, और अगर अंत नहीं है तो इट जस्ट अ एपिक। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं हमारे होमवर्क की। आंसर वर्ड्स लिमिट 20-30 वर्ड्स ईच, हाउ मच द रिटेन इन द माइंड ऑफ A reader who reads only for amusement, ठीक है ना, यानी जो पाठक केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं उनके दिमाग में कितनी विषय वस्तु बनी रहती है, यानी उनके दिमाग पर उस पुस्तक की कितनी वैल्यू जो है वो रहती है। ठीक है, Why are the most of the person unable to express their original opinion about book? अधिकतर व्यक्ति एक पुस्तक के बारे में अपने मूल विचार अभिव्यक्त करने में असमर्थ क्यों होते हैं? Because it has a another meaning also. हाँ, ध्यान रखो बेटा। What are the chief characteristics of the scientific book? ठीक है ना, एक वैज्ञानिक पुस्तक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ठीक है बेटा, वापस सुन लीजिए। What are the chief characteristics of scientific book? एक वैज्ञानिक पुस्तक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? And what is the author ओपिनियन अबाउट द हाफ एजुकेटेड पर्सन? एक अर्ध शिक्षित व्यक्ति के बारे में लेखक के क्या विचार है? वॉट डू वी फाइंड वेन वी री रीड अ बुक? ठीक है ना, जब हम एक पुस्तक को पुनः पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं? अ न्यू एंड अनदर मीनिंग, राइट? अब हम बात करते हैं कुछ अलग। आंसर वर्ड लिमिट 60-80 वर्ड्स, हाउ इज द ग्रेटनेस ऑफ अ बुक डिटरमाइंड? वापस सुन लीजिए, हाउ इज द ग्रेटनेस ऑफ अ
बुक डिटरमाइंड, एक पुस्तक की महानता कैसे निर्धारित की जा सकती है? वहां पर सुन लीजिए, एक पुस्तक की महानता कैसे निर्धारित की जा सकती है, ठीक है ना? आप समझ गए? मेंशन द क्वालिटी ऑफ अ गुड बुक, एक अच्छी पुस्तक के गुणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है? व्हाट शुड गाइड अस इन द चॉइस ऑफ अवर रीडिंग, हमारे अध्याय जो अध्यायों जो हमने पढ़ा है के चुनाव में कौन से बिंदुओं द्वारा हमारा मार्गदर्शन होना चाहिए? और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, अ गुड बुक ऑफ फिक्शन और रोमांस और पोएट्री इज अ साइंटिफिक वर्क, एक्सप्लेन। यानी कहानी, रोमांस व कविता की एक अच्छी पुस्तक किस प्रकार से एक वैज्ञानिक रचना होती है, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे वापस। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।